बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप का आज बृहस्पतिवार को जन्मदिन है। इनके फैंस ने जन्मदिन को लेकर लगभग सभी तैयारियां कर ली थी, लेकिन जन्मदिन से दो दिन पूर्व तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई के फर्जी वीडियो मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बिहार पुलिस के अनुसार बता दें कि 6 मार्च को मनीष कश्यप के खिलाफ फर्जी वीडियो वायरल करने को लेकर FIR दर्ज हुई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपने चैनल पर तमिलनाडु में फर्जी हिंसा से संबंधित वीडियो को वायरल किया। इस वजह से मनीष कश्यप के साथ अमन कुमार, राकेश तिवारी, युवराज सिंह पर FIR दर्ज हुई थी। साथ ही कहा गया कि आगे भी इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दरअसल मनीष कश्यप ने अपने वीडियो के द्वारा सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते थे। उन्होंने हमेशा से ही बिहार की प्रशासनिक सेवाएं, अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार के अलावा सरकारी विभागों में धांधली को लेकर लोगों से अवगत कराने का काम किया है। जानकारी के लिए बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई को लेकर बिहार और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में माहौल गर्म है। इस बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपने चैनल के माध्यम से तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का एक वीडियो चला दिया। चैनल पर चलने वाले वीडियो की जब पुलिस ने जांच की तो वो फर्जी साबित हुआ। इसी के आधार पर पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बता दें कि सन ऑफ बिहार के नाम से पहचान बनाने वाले मनीष कश्यप का 9 मार्च को जन्मदिन है। उनका जन्म 1991 में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के डुमरी महनवा गाँव में हुआ। मनीष बचपन से ही पढ़ाई में काफी रुचि लेते थे या अपनी स्कूल में होनहार बच्चों की गिनती में आते थे। मनीष कश्यप ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही 2007 में पूरी की थी तथा 12वीं की पढ़ाई 2009 में पूरी करने के बाद महाराष्ट्र आ गए। यहां पर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री 2016 में प्राप्त की थी। वर्तमान में मनीष कश्यप एक यूट्यूबर हैं और अपने चैनल के माध्यम से बिहार की प्रशासनिक सेवाएं, अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार के अलावा सरकारी विभागों में धांधली को लेकर लोगों से अवगत कराते हैं। बता दें कि 6 मार्च को मनीष कश्यप के खिलाफ फर्जी वीडियो वायरल करने को लेकर FIR दर्ज हुई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपने चैनल पर तमिलनाडु में फर्जी हिंसा से संबंधित वीडियो को वायरल किया। इस वजह से मनीष कश्यप के साथ अमन कुमार, राकेश तिवारी और युवराज सिंह पर FIR दर्ज हुई है। साथ ही कहा गया है कि आगे भी इनसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दरअसल मनीष कश्यप ने अपने वीडियो के द्वारा सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते थे। उन्होंने हमेशा से ही बिहार की प्रशासनिक सेवाएं, अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का काम किया है और लोगों से अवगत कराने का काम किया है।